हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्पॉट एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि मैं संवेदी अंग के बारे में बात किया था, तो सबसे पहले हमने त्वचा के बारे में बात किया था। आज मैं आप लोग को आंख के बारे में बताऊंगा, जो कि शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आज तो फिर मैं सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं शुरू करते हैं, आंख के बारे में बताते हैं। आंख हमारे शरीर का यह वह महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे हमें आसपास के सभी वस्तु या किसी भी चीज को हम देख सकते हैं। अगर आंख नहीं होता तो मैं किसी भी चीज को देख नहीं पाते। और जैसे अगर मान लो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, वह उनको दिखाई नहीं देता है। और आंख के माध्यम से ही जैसे मुझे किसी वस्तु की भी आभास होती है, जैसे ठोस या द्रव या किसी चीज की गहराई का हमें भी पता चलता है। अगर आंख नहीं होता तो हमें किसी भी चीज की ये सब जो हम देख पाते हैं, हमें किसी भी चीज को हम देख नहीं पाते। तो चलिए फिर बताते हैं कि आंख कैसे कार्य करता है। सबसे पहले क्या पड़ता है कि जो हमारे आंख पे रोशनी पड़ती है, वो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ती है। कॉर्निया पे पड़ते हुए क्या होता है, वो फिर इक्वेस ह्यूमर पे पड़ता है। ये मान लीजिए कॉर्निया है और फिर क्या है, इक्वेस ह्यूमर। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये कॉर्निया और ये क्या है, इक्वेस ह्यूमर। तो ये क्या पड़ता है, उस जिसको कहते हैं नेत्रोद या इंग्लिश में इक्वेस ह्यूमर। तो इस पे पड़ने के बाद फिर क्या होता है, वो फिर आके पुपिल पे पड़ता है। पुपिल या हिंदी में इसको कहते हैं पुतली। पुतली पे प्रकाश पड़ते हुए फिर क्या करता है, फिर लेंस पे जाके पड़ता है। लेंस पे पड़ते हुए प्रकाश वाइट्रस ह्यूमर्स के माध्यम से फिर जाके रेटिना पे प्रकाश पड़ता है। रेटिना पे पड़ने के बाद तब जाके हमें वस्तु की पहचान होती है, और हमें जिस वस्तु को हम देख पाते हैं वह उस समय हमें उल्टा और आभासी दिखाई देता है, और जो हमें सही से प्रतीत नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, मिटा दे इसको। रेटिना पे पड़ते हुए क्या होता है, फिर जाके रेटिना पे जब पड़ता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मूर्ति पटल, मूर्ति पटल। इस पे जब पड़ता है तो इसमें बहुत से संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक को कहते हैं राड और एक को कहते हैं राड और एक को कोन कहते हैं, कोन्स। इसको हिंदी में छड़ कहते हैं और एक को कहते हैं इसको शंकु। तो जब इस पे पड़ता है, यह जो रॉड होता है हमें धीमी प्रकाश का क्या कराता है, आभास कराता है। तो जब ये और जो कोन होता है, कोन शंकु पे प्रकाश पड़ता है, यह हमें रंगों का पहचान कराता है, जिससे हमें सही कलर की पहचान या हमें उस जो भी चीज हम देखते हैं उसकी सही से हमें पहचान हो जाती है। तब जाके क्या होता है, इससे होते हुए इन जो ये संवेदी कोशिकाएं होती है, संवेदी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं जो होती है इस पे लगभग, ये जो कोशिकाएं होती है लगभग 13 करोड़ कोशिकाएं होती है। तो इस पे जब पड़ता है, इस पे पड़ते हुए
जब इस पे पड़ता है, उठा दे रहे हैं इसको, इस पे पड़ते हुए फिर क्या होता है, एक रेटिना पे जब पहुंचता है तो वहां से क्या होता है, एक स्टिमुलस नामक एक तत्व पदार्थ उत्पन्न होता है। तब जाके वह क्या करता है, हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो हमने इसको बनाया है, ये ऑप्टिक नर्व के माध्यम से क्या करता है, ये मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जब ये मस्तिष्क तक पहुंचता है तो मस्तिष्क को पहुंचता है, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है, तो यह क्या करता है, हमें उस चीज का आभास कराता है। तब जाके हमें किसी भी वस्तु की सही और अच्छी सी पहचान हो पाती है। तो वह हमें फिर वस्तु क्या करता है, सीधा और वास्तविक रूप में हमें दिखाई देने लगता है। तो ये थे इसके इतने प्रकार कैसे ये कार्य कर रहा है। तो और फिर हम अब इसमें देखते हैं कि इसके भाग, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, जिसको कहते हैं आंख, आंख की मुख भाग, या इंग्लिश में कहते हैं मेन पार्ट्स ऑफ आई। अब हम देखते हैं कि आंख के कितने भाग होते हैं और कितनी यह संरचनाओं से मिलके बना होता है, जैसे मैंने फिगर में दिखाया है। तो यही इतने इसके भाग होते हैं और हम सभी के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, एक होता है, सबसे पहले हम देखते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स के यह क्या करता है, हमारे आंखों से आंसू उत्पन्न करता है। जब हम इसी लैक्रिमल ग्लैंड्स के माध्यम से ही क्या होता है, जब आंसू निकलती है तो हमारे आंख की भी सफाई होती रहती है। इसीलिए कभी कभी आंसू निकलना भी क्या होता है, हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। और क्या होता है इसमें, एक होता है सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये चीज हमें दिखाई दे रही है ये फिगर में, तो इसके माध्यम से क्या होता है, यहीं पे ऐसे ये सस्पेंसरी ग्लैंड्स होता है जो कि एक लिगामेंट उत्पन्न करता है। ये जो हमें क्लैरी मसल्स दिखाई दे रहा है, इसी के माध्यम से क्या होता है, इसमें जुड़ा रहता है। तो ये क्या करता है, हमारे आंखों को एक तरह से इधर मतलब घुमाने में क्या करता है, सहायता भी करता है। और क्या होता है, आयरिस भी क्या करता है, हमारे आंखों को ये जो आयरिस दिखाई दे रही है, ये पतली सी चीजें, ये जो पतली सी दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, आयरिस, ये जो आयरिस दिखाई दे रही है, ये आयरिस होती है जो कि हमारे आंखों को इधर उधर घुमाने में भी सहायता करती है। और क्या होता है इसमें कि इक्वेस ह्यूमर, ये इक्वेस ह्यूमर क्या होता है, इसके बारे में मैं बात करते हैं। तो इक्वेस ह्यूमर जो होता है, यह क्या करता है कि इसमें एक प्रकार का तरल द्रव पाया जाता है जो कि पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जैसे कह सकते हैं, अगर कोई एक पन्नी है उसके हम इस बगल से उस बगल क्या करते हैं, देख पाते हैं, तो उसी तरह से यह भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। यहां से कार्निया पे पड़ते हुए जो किरणें होती, जो प्रकाश आता है, ये इस पे पड़ते हुए फिर ये इक्वेस ह्यूमर, फिर आयरिस पे पड़ते हुए फिर लेंस पे पड़ता है। लेंस पे पड़ते हुए क्या करता है, यहाँ पे वाइट्रस ह्यूमर के माध्यम से क्या करता है, रेटिना पे पड़ता है। रेटिना पे पड़ने के बाद
फिर क्या करता है ये स्टिमुलस की सहायता से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से क्या करता है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो हाइपोथैलेमस की सहायता से फिर हमें सीधी वस्तु दिखाई देने लगती है। और फिर क्या होता है ये वाइट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये भी एक तरह से तरल पदार्थ होता है जो कि इसमें घुला रहता है, एक तरह से बहुत ही तरल। ये भी क्या होता है जैसे पानी अगर किसी ठोस ले लिया जाए तो क्या करता है एक इधर उधर हमें दिखाई देता है, तो उसी तरह से ये भी क्या होता है एक पारदर्शी ही होता है। अब देखो ये जो हम बनाए हैं ये पेड़ की झाड़ की तरह दिख रहा है, ये क्या होता है ये ब्लड वेसल्स होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लड के संरचनाएं होती रहती है, इसमें क्या होता है ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, जो सर्कुलेशन होता रहता है, जो कि ये आंख को मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसको पदार्थ उत्पन्न करता रहता है, जो आंख हमारी सही से अच्छे तरीके से कार्य करते रहती है। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है ये जो मूर्ति पटल होती है कार्निया होती है, यह क्या होता है एक गोले की भांति देख रहे हैं, जैसे ये क्या हुआ है गोले की तरह दिखाई दे रहा है, ये जब गोले की तरह दिखाई दे रहा है तो ये क्या होता है गोल की तरह दिखाई देता है, तो हमारी जो कार्निया होती है क्या है एक तरह से कह सकते हैं हमारी जो आंख है क्या है ये गोल है, तो इसीलिए हमें गोल दिखाई देता है। और क्या होता है आंख के जो ये व्यास होते हैं इसके लगभग 2.5 सेंटीमीटर आंख के व्यास होते हैं। और क्या होता है हमारा जो ये आंख होता है ये कैमरे की भांति कार्य करता है। और क्या होता है जैसे हम अगर किसी चीज को देख लेते हैं एक बार देखे दो बार देखे तो उसको कुछ दिनों तक ले काफी लंबे समय तक ले याद हो जाता है, लेकिन अगर हम अचानक से देखते हैं तो क्या होता है वो फिर हट जाता है, जैसे आप अगर कैमरा सही से फोटो नहीं खींचेंगे तो क्या होगा वो फिर हमें सही से दिखाई नहीं देगा, तो उसी तरह आंख भी क्या करता है कार्य करता है। तो इतना आज मैं आप लोग को आंख के बारे में बताएं और इसके कार्य क्या होते हैं, इसके पार्ट कितने हैं और यह कैसे कार्य करता है और इसके क्या बोल जाता है कि ये कैसे कैसे इसकी संरचनाएं हुई है, और मैं आज इसके बारे में बताएं अब ये कार्य बताएं। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसकी विसंगतियां या आंखों की विसंगतियां या बीमारी एक तरह से कह सकते हैं बीमारी कि इसकी बीमारियां क्या होती है। तो आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।